आए और मुझे हल्का सा धक्का देकर के और मेरा मोबाइल छीन करके भाग गए और मैंने गाड़ी नंबर देखने की कोशिश करी, गाड़ी नंबर MP4। Bright India Public School, an English medium co-educational senior secondary school, जहां पढ़ाई के साथ साथ होता है आपके बच्चे का overall development. Bright India Public School, near GC2, Poysagar Road, Ajmer. Admissions open. वहां से कहां जा रहे थे और क्या हुआ? मैं कल रात को 11:15 पर जोधपुर से अजमेर आया था और मेरी बस माटन ब्रिज उतरी थी। माटन ब्रिज उतरने के बाद में मैं मेरे छोटे भाई को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन निकाला कि भाई आप मुझे लेने के आ जाओ कि मैं माटन ब्रिज उतर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन निकाला, पास में से बिल्कुल दो लड़के आए और मुझे हल्का सा धक्का दे करके और मेरा मोबाइल छीन करके भाग गए और मैंने गाड़ी नंबर देखने की कोशिश करी, गाड़ी नंबर MP404 ऐसे कुछ करके नंबर था, उसके बाद में वो नंबर स्क्रैच हुए हुए थे। और जो लड़के थे वो लगभग उनकी उम्र थी 16 से 17 साल के करीबन, मुंह पे उन्होंने रुमाल बांध रखा था। घटना करीबन रात को 11:15 के आसपास है और पास में से एक लड़का भी निकला एक्टिवा पे, उस लड़के ने उन लड़कों की पीछा करने की कोशिश करी लेकिन वो एकदम से गाड़ी को दौड़ाते हुए पता नहीं कौन सी गलियों में गायब हो गए। फिर लड़का मुझे दोबारा लेने भी आया लेकिन जब तक मेरा भाई आ चुका था। फिर हम लोग अलवर के थाने गए, अलवर के थाने में मैंने मेरे मोबाइल का नंबर और मेरी जो सोशल आईडी से जिससे मैं एक्टिव हूँ उन सब की और मैंने सब डिटेल दे करके मैंने शिकायत दर्ज कराई है। और मेरी सोशल आईडी से चाहे मेरी फेसबुक हो, चाहे मेरा ट्विटर हो, चाहे मेरा अकाउंट हो, चाहे मेरा व्हाट्सअप, चाहे मेरा नंबर से कहीं अगर किसी को भी कोई भी कॉल आता है, मेरा नाम चंद्रेश सोनिया है, अगर इस आईडी से कोई भी पोस्ट होती है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं नहीं रहूँगा। कल रात्रि 11:15 तक मोबाइल मेरे पास था, 11:15 के बाद किसी प्रकार की कोई भी घटना या कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति रहेगा। शिकायत मैंने अलवर के थाने में शिकायत मैंने दर्ज करा दी। मोबाइल था मेरा वीवो Y12।